सयाजी सीट्स की तरफ से संतोष सिंह का नमस्कार। आइए देखते हैं आने वाले सप्ताह में बारिश का कैसा अनुमान रहेगा। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि इस समय तक संपूर्ण भारत में मानसून सक्रिय हो चुका है। चक्रवाती दबाव के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में आने वाले 2-3 दिनों में सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की पूरे सप्ताह में सामान्य से भारी बारिश होगी, जिसमें कि झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, विदर्भ, तटीय कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शामिल हैं, तथा कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें कि सामान्य से भी कम बारिश होने की संभावना है, जिसमें कि गुजरात का सौराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अन्य स्थानों पर सामान्य बारिश होने की संभावना है। किसान भाइयों, जिन राज्यों में ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर उनको सलाह दी जाती है, सबसे पहले तुम्हें जल निकासी का उपाय करें तथा उन स्थानों पर रोग आने की ज़्यादा संभावना रहती है फसलों में, इसलिए आप अपनी फसलों पे फफूंदी नाशक जैसे कि मैंकोजीब या जिनेब तथा एंटीबैक्टीरियल जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आदि का स्प्रे अपनी फसलों पे करें, जिससे कि रोग से बचाव हो सके, तथा उन स्थानों पर जहाँ पर कि कम बारिश हुई है और ऐसे भी स्थान है जहाँ पे अभी तक बुआई नहीं हो पाई है, तो उनको सलाह दी जाती है कि वे कम अवधि की फसलें जैसे कि दलहनी फसलों में मूंग और उड़द तथा बाजरा का बुआई कर सकते हैं, जिससे उनको आने वाले रबी में सही समय पर बुआई कर सकें, तथा जहाँ पे बुआई हो गई है जैसे कि मक्का और कपास, इनमें किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फसलों में अर्दिंग अप अर्थात मिट्टी चढ़ाने का काम करें, जिससे कि फसलों में नमी रुक कर के रहेगी और जो भी बारिश होगी उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद।